विश्व आत्महत्या रोकथाम जागरूकता सप्ताह पर सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम प्रकाश अग्रवाल और COIEC विनोद बिश्नोई मौजूद रहे। सीएमएचओ डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि सही समय पर सही कदम उठाकर आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। बता दें कि विश्व स्तर पर हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। अगर भारत की ही बात कर ली जाए तो साल 2021 में करीब 2.25 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। ऐसे में जो थोड़ा सा जागरूक रहकर हम अपने आसपास हो रही आत्महत्या को रोक सकते हैं। 10 सितंबर प्रति वर्ष हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन जो है सोसाइटी ने 2003 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की, यानी कि 20 साल हो गए इस दिवस को मनाते। इसके पीछे मनाने का उद्देश्य ये है कि जो आज पूरे विश्व के अंदर 8 से 10 लाख लोग प्रति वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। पूरी दुनिया में प्रत्येक 40 सेकंड में एक सुसाइड हो जाता है, और ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये मर्डर से भी बड़ा आंकड़ा। इतने मर्डर नहीं होते जितने सुसाइड होते हैं, और भारत में सुसाइडल टेंडेंसीज वर्ल्ड के अंदर बढ़ती जा रही है, और हर साल करीबन 7 से 8 लोग जो ना अपने हर वर्ष सुसाइड कर लेते हैं। और ऐसा आंकड़ा है कि 15 से 42 साल के बीच में दिस इज द 4th मोस्ट कॉमन डेथ इन द वर्ल्ड, और इसका मेन कारण फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, और दूसरा मेन कारण इसमें इलनेस है। और इसमें मेनली हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन और मीडिया का इसमें बहुत ही अहम रोल है। मीडिया से ये उम्मीद की जाती है कि